महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। इस दौरान बारामती में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद सुप्रिया सुले ने मतदान किया। इसी दौरान उनसे भाजपा की ओर से लगाए गए आरोपों पर सवाल भी पूछे गए। इस पर उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है, मैंने साइबर क्राइम को इसकी शिकायत की है। आरोप लगाने वाले को मानहानि का नोटिस भी भेजा है। मतदान से पहले भाजपा और महाविकास अघाड़ी दोनों आरोपों के घेरे में है। दरअसल एक और जहां भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगा, वहीं पूर्व आईपीएस रविंद्रनाथ पाटिल ने महाविकास अघाड़ी के नेताओं को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि महाविकास अघाड़ी में शामिल एनसीपी शरद गुट के नेता सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी में बिटकॉइन की हेराफेरी की। बिटकॉइन के बदले में मिली नकदी का वे विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच सुप्रिया सुले और नाना पटोले का वायरल वीडियो भी सामने आया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दोनों नेताओं को जमकर घेरा और उनसे जवाब भी मांगा। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि मैंने सुधांशु त्रिवेदी के सभी सवालों का जवाब दिया है, ये झूठ कोई फैला रहा है, मैंने साइबर क्राइम को भी इसकी शिकायत की है। सुधांशु त्रिवेदी जहां चाहे मैं उनकी पसंद की जगह पर, उनके पसंद के समय, उनके पसंद के मंच पर बहस करने के लिए तैयार हूं। आज सुबह मैंने उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा। साथ ही उन्होंने अजीत पवार के आरोप पर जवाब दिया कि वे अजीत पवार हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ बोली सुप्रिया सुले। मैंने पांच बार पांचों सवालों का मैंने जवाब दिया है। आई डोंट नो, आई हैव नेवर डेल्ट विद बिटकॉइंस, आई डोंट नो एनी गौरव मेहता, एंड ऑल द फाइव क्वेश्चंस दैट मिस्टर त्रिवेदी हैज आस्क्ड मी, आई एम मोर देन हैप्पी टू एड्रेस देम, अ प्लेस ऑफ हिज चॉइस, अ टाइम ऑफ हिज चॉइस एंड अ प्लेटफॉर्म ऑफ हिज चॉइस। पांचों झूठ है और इसीलिए झूठ है क्योंकि उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है कि ये सारे आरोप झूठ है, क्योंकि जब मुझे आए तो मैंने पहले क्राइम जो पुलिस है, मैंने पहला फोन जब मेरे हाथ में सब आया तो पुलिस कमिश्नर को किया था पुणे की, और मैं उन्होंने कहा भैया ये झूठ कोई स्प्रेड कर रहा है। उन्होंने बोला मुझे आप कंप्लेन कर दीजिए, मैंने फट से एक कंप्लेन कर दी साइबर क्राइम को, जो मैंने कल ट्वीट की आपको मिली है। हाँ, तो मैंने साइबर क्राइम को ट्वीट की है और ईमेल से उनको भेजा है कल। उसके बाद जब श्री त्रिवेदी जी ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे पांच सवाल पूछे, पांचों के जवाब मैंने तो दे दिए है। इट्स अप टू हिम नाउ, वो जहां चाहे, आई एम हैप्पी टू डिबेट विथ हिम एट अ प्लेस ऑफ हिज चॉइस, टाइम ऑफ हिज चॉइस, सिटी ऑफ हिज चॉइस, वो जहां कहेंगे मैं आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब उनकी कन्वीनियंस देखिए, मैं तो कभी भी आ सकती हूँ। और दूसरी बात, मैंने आज सुबह उनको एक डेफामेशन की नोटिस भेजी। सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर लगे आरोपों पर अजीत पवार ने कहा कि उनका जो वीडियो क्लिप दिखा रहा है, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं उन दोनों के साथ काम किया है, उनमें से एक मेरी बहन और दूसरे के साथ मैंने बहुत काम किया है, ऑडियो क्लिप में उन्हीं की आवाज है, मैं उनके लहजे से बता सकता हूं, जांच हो जाएगी, जांच के बाद चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। इस बीच बारामती विधानसभा सीट से एनसीपी एससीपी उम्मीदवार योगेंद्र पवार ने कहा कि पीढ़ी बदलनी चाहिए और नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए। आज हमारे देश में 7% लोग 35 वर्ष से कम उम्र हैं। नई पीढ़ी को आगे आना होगा, एक युवा नेतृत्व भी तैयार होना चाहिए। इस सीट पर उनका मुकाबला राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। इसमें सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी कि MVA को सत्ता में शानदार वापसी की उम्मीद है। सभी 278 विधानसभा सीट पर मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।